लद्दाख में फुटबॉल ग्राउंड बने, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड। तो दो ग्राउंड बनाए गए थे लद्दाख में। अब लेह में जो फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया, चलिए वो तो बहुत सही बनाया गया, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं उससे, लेकिन कारगिल का फुटबॉल ग्राउंड बना तो दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब वहां पे क्या हुआ, आपको पता है कारगिल में कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। अब वहां पे क्या हुआ था, वॉर के टाइम पे माइंस बिछाई थी, तो ये बिना देखे बिना जांच के वहां पे ग्राउंड बना दिया गया उसी एरिया में जहां पे माइंस है। अप्रैल के टाइम पे तीन बच्चे लोग उस ग्राउंड के आसपास कहीं से जा रहे होंगे तो वो बॉम्ब फट गया। इसका खामियाजा अभी वहां के फुटबॉलर्स जो है वो भर रहे। तो ये फुटबॉलर्स का दर्द है एक्चुअली में, कि वहां पे अब वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे ढंग से, ठीक है, और उनका टूर्नामेंट कब होगा ये भी उनको नहीं पता। तो क्या लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन या वहां की गवर्नमेंट या जो भी वहां पे लोकल डीएफए थी, क्योंकि इस बारे में पता नहीं था कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, ये वॉर वाला एरिया था पहले तो यहाँ पे माइंस लगाई गई होगी, वहां पे कारगिल में जो फुटबॉलर्स अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अभी इस चीज के कारण, जो है ना जो दर्द है उनका, दर्द जो मुझ तक पहुंचा एक्चुअली में कि वो वहां पर खेल नहीं पा रहे। तो इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा।